Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मंचूरियन में इंडिया जनूबी अफ्रीका के दरमियान 6 एक रोजा मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में इंडिया ने मेजबान टीम को 9 विकेटों से हरा दिया है। इंडिया के स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की बदौलत जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम को सिर्फ 118 रन पर ढेर कर दिया। इंडिया ने अपना टारगेट 20 ओवर्स में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। इंडिया के आउट होने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा जो 15 रन बनाकर फास्ट बॉलर गागेजो रबादा की गेंद पर कैच आउट हो गए। शेखर धवन 51 रन जबकि कप्तान विराट कोहली 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 6 एक रोजा क्रिकेट मैचों की सीरीज में इंडिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। सर बताइएगा, इंडिया ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में शिकस्त दे दी है, इंडिया की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? कमबैक किया इंडिया ने बड़े अच्छे अंदाज में, पहले टेस्ट मैचेस में नाकामी के बाद फिर उन्होंने टेस्ट मैच जीता, फिर दो वनडे मैचेस जिस तरह से जीते हैं तो उनके टॉप क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया। और इंडिया के बारे में जो अमूमी तासर और रिकॉर्ड्स जो बताते हैं वो यही है कि वो जब भी अपने मुल्क से बाहर खेलते हैं अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते और नतीजे भी उनके उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन इस दौरे के ऊपर जहाँ पर उन्होंने अब तक वनडे मैचेस में उनकी बरसी है, फिर टेस्ट मैच भी वो जीतने में कामयाब हुए हैं, तो उन्होंने कमबैक तो किया है और उनके क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया है, कारकर्दगी काबिल तारीफ जरूर है अपनी जगह पर। आप देखें विराट कोहली ने जिस तरह से 100 किया, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, शिखर धवन जिस तरह से रन कर रहे हैं, फिर उनकी बॉलिंग साइड जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, जो माजी में हम ये देखते आए हैं फास्ट बॉलिंग में उनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स नहीं हुआ करते थे, उस शो पे में उन्हें खासी मुश्किल का सामना रहता था, लेकिन माजी करीब में हाल में अगर हम देखते हैं तो इस शोबे में भी इंडिया की क्रिकेट हमें इंडिया का टैलेंट सामने आया है अच्छा, और वो जो उनकी कमी थी फास्ट बॉलिंग में वो भी किसी हद तक दूर हुई है। मजमूई तौर पर नतायज के एतबार से, इंफरादी कारकर्दगी के एतबार से और माजी के साथ अगर मुकाबला किया जाए इंडिया के क्रिकेट का जो अवे खेलते हैं तो उस लिहाज से खासी बेहतर कारकर्दगी रही है। और इसमें साथ से हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ नुकसान साउथ अफ्रीका को उनके जो सरकर्दा खिलाड़ी हैं या जो फिटनेस इश्यूज उनको दरपेश हैं उस वजह से वो अपने बेहतरीन खिलाड़ियों की खिदमात से महरूम है, उस वजह से भी साउथ अफ्रीका को नुकसान हुआ और उसका फायदा भारत को हुआ और उसने फायदा उससे भरपूर अंदाज में फायदा उठाया। लेकिन ये सारी चीजें खेल का हिस्सा है, जब आपका दिन का अख्ताम अगर अच्छा होता है तो सब चीजें अच्छी होती हैं, और अगर नतीजा अच्छा होता है कभी भी ये तारीख में नहीं लिखा जाएगा कि इंडिया जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत रहा था तो साउथ अफ्रीका के बेहतरीन खिलाड़ियों की खिदमात उन्हें हासिल नहीं थी, वहां पर यही लिखा जाएगा कि भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, उनकी होम ग्राउंड पर हरा दिया। तो इस लिहाज से जो विराट कोहली एंड कंपनी के लिए बड़ी हौसला अफजा चीज है कि वो साउथ अफ्रीका में अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब भी आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में अच्छी क्रिकेट खेल कर आते हैं तो आपका एतमाद बहुत ज्यादा बुलंद होता है। इंडियन टीम के क्रिकेट और नतायज के एतबार से वो बहुत अच्छे जा रहे थे अपने होम कंडीशन में, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका में वो वनडे सीरीज में वो कामयाबी हासिल कर जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उसका क्रेडिट इंडिया की टीम को देना पड़ेगा, भले साउथ अफ्रीका के पास उनके टॉप क्रिकेटर्स हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो सीरीज में कामयाबी हासिल करते हैं तो उसका क्रेडिट बाहर और इंडियन टीम को जाएगा। जी, बॉलिंग में इंडिया को कमजोर समझा जाता है लेकिन दूसरे वनडे में बॉलिंग में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, क्या आपके ख्याल में अब बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी इंडिया टैलेंट पे सबसे बेहतर है? बिल्कुल बेहतर हो रहा है ना जी। आप देखें जब आप किसी भी टीम को, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आप 100, 125 पर, 150 पर आउट कर रहे हैं, फिर टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने उनको कम रन पर आउट किया, फिर वनडे मैचेस में भी उन्होंने वही कारकर्दगी दोहराई है, तो ये एक अच्छे मुस्तकबिल की निशानी है। और उनका हाल इस हवाले से खासा बेहतर है कि उनके पास अच्छे बॉलर्स सामने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर ये टीम मैनेजमेंट के लिए, ड्रेसिंग रूम में और सिलेक्टर जितने भी सारे का सारा जो थिंक टैंक है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का या इंडियन क्रिकेट इंडिया का, उसके लिए बड़ी ये हौसला अफजा चीज है कि फास्ट बॉलिंग का टैलेंट उसके पास बड़ा अच्छा आ रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारा काम अपने ग्रास रूट लेवल पर किया है, अकेडमी बनाई है और उसमें वो काम कर रहे हैं और उसके फवायद उनको नजर आ रहे हैं। साथ साथ इसके क्रेडिट हम ये भी जरूर दिया जाएगा कि जब IPL इंडियन प्रीमियर लीग हो के उसको खासे बरस हो चुके हैं लेकिन उसके असरात उनकी क्रिकेट पर जरूर आए हैं। जब आप दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स के साथ हर साल अपने मुल्क में खेलते हैं, डिफरेंट कंडीशन में खेलते हैं, दुनिया के बेहतरीन
खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा होते हैं, आपको आपके कोचिंग मेथड, आपके फिटनेस के मेथड जो हैं, आपके वर्क एथिक्स जो हैं, वो सारे के सारे आपको दुनिया के दीगर बेहतरीन खिलाड़ियों से जब देखते हैं तो उसका असर नौजवान क्रिकेटर्स के ऊपर भी पड़ता है, प्लानिंग में आपको बेहतर बेहतरी आप लाते हैं। तो इस सारी चीजों को देखते हुए मजमू तौर पर जो इंडियन क्रिकेट है उसमें इस अंदाज से तो जरूर बेहतरी आई है कि आप देखें उनके पास एक टाइम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गंगोली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, ये सारे के सारे इकट्ठे खेला करते थे। तो उस लोगों का ख्याल था कि शायद इनकी जगह लेने वाले इतने अच्छे क्रिकेटर बहुत जल्द उनकी बैटिंग लाइन में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आज आप देखते हैं कि अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं, आप रोहित शर्मा को देख लें, उन्होंने 3 डबल सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं वनडे क्रिकेट में। आप देखें विराट कोहली जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, हर फॉर्मेट में वो अपनी टीम के लिए रन कर रहे हैं, तो सारी चीजें खुश आए भारत के क्रिकेट के नुकता निगाह से बहुत अच्छी हैं। जी सर, ये भी बताएगा कि भारत को टेस्ट सीरीज में शिकस्त हुई लेकिन वनडे में कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है, क्या आपके ख्याल में भारत आने वाले वक्त में टेस्ट में नाकाम और वनडे में कामयाब टीम बनकर सामने आएगी? देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो टेस्ट में नाकाम और वनडे में कामयाब टीम बन जाएंगे। आप देखें कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी जो टेस्ट मैचेस खेले हैं उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है, और ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे एक तरने वाला साबित होंगे उनके लिए, जब वो या वो इंग्लैंड में खेलने जाएंगे तो वो बिल्कुल ऑफ कलर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास क्लास क्रिकेटर्स मौजूद हैं, तो वो कहीं ना कहीं जहां थोड़ा सा वो मुश्किल टाइम है वो गुजारते हैं तो फिर वो रन करते हैं, फिर वो अथॉरिटी के साथ खेलते हैं और उसका फायदा उनकी टीम को होता है। हम ये नहीं कह सकते सर रिजल्ट यकायक ये नहीं कह सकते कि वो टेस्ट क्रिकेट की कमजोर टीम बन जाएंगे और वनडे में वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप देखें कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने मजाहमत की और फिर एक टेस्ट मैच जीता भी है, और फिर वनडे में उसका आप देखें कि रिफ्लेक्शन आई है कि उन्होंने शुरू में दबाकर रखा है साउथ अफ्रीका को, और ये मुश्किल होता है बहुत ज्यादा कि अगर आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं और आप उनके खिलाफ टेस्ट मैच भी जीते हैं, आप उन्हें कम स्कोर पर आउट भी करें, फिर आप उनको चेज भी करें, तो ये सारी चीजें सामने है। और ये कहना जरा मुश्किल है या ये कहना गलत होगा कि हम इंडिया को वनडे की अच्छी और टेस्ट मैच की कमजोर टीम करार दें। भारतीय टैलेंट को फॉलो करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? फॉलो क्या करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा मसला यह है कि उनके अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही। 2009 से लेकर अब तक हम बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से महरूम है, हमारे पास जुजवी तौर पर क्रिकेट की बहाली जरूर हुई है लेकिन वो सिर्फ T20 मैचेस की हद तक है, एक T20 मैच, तीन T20 मैच, और वो भी इस माहौल में होते हैं कि जो कि आप देखें कि दुनिया में इस तरह से क्रिकेट कहीं भी नहीं होती बैन अल-अक़वामी क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे बड़ा मसला अपने मुल्क में क्रिकेट का ना होना है। अगर हम पूरी की पूरी एक फुल सीरीज जिसकी मेजबानी करते हैं, जिसमें कोई भी बाहर से टीम आती है वो पूरी सीरीज खेलती है, साइड मैचेस खेलती है, फिर वो टेस्ट मैचेस खेलती है, ODI खेलती है, फिर वो T20 खेलती है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वो लोग ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जो क्रिकेटर्स नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको वहां पर नेट प्रैक्टिस का उनके साथ उनको नेट प्रैक्टिस करवाने का मौका मिलता है, कोई बॉल पिकर बनते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है। जब टीमें आपकी आपके मुल्क में बाहर से आती हैं तो आपका बुनियादी ढांचा मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि अगर फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पिशावर ये सब स्टेडियम्स में टीमें आएंगे तो हमें उनका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत पेश आती रहेगी, हमारे पास रेवेन्यू आएगा, हम दुनिया जो बैन अल-अक़वामी इवेंट्स हैं उनकी मेजबानी में हमारा हिस्सा रहेगा, हमें वहां से रेवेन्यू मिलेगा। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत कम है, हमें किसी को फॉलो करने के फॉलो अच्छी चीजें दुनिया में कहीं भी हो रही हूँ हम उन लोगों को उनसे सीखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला सर दस बैन अल-अक़वामी क्रिकेट का ना होना है, और उस बैन अल-अक़वामी क्रिकेट का नुकसान हमें माली तौर पर भी हो रहा है, हमें टैलेंट के लिहाज से भी हो रहा है, हमें खिलाड़ियों की ग्रूमिंग के लिहाज से भी हो रहा है, हमें उनके स्किल्स के लिहाज से भी हो रहा है, हमें उनके टेम्परामेंट के लिहाज से भी हो रहा है, और हमें जो टफ कंडीशंस होती हैं जिसमें खिलाड़ी अपने मुल्कों में खेलते हैं, अपने क्राउड के सामने खेलते हैं, मुश्किल हालात से निकलते हैं, उन तमाम चीजों में हो रहा है। अगर यहाँ पर टेस्ट मैचेस हो रहे हों अपने मुल्क में हो रहे हों और वनडे मैचेस हो रहे हों, T20 मैचेस हो रहे हों, तो क्राउड का मीडिया का प्रेशर जरा डिफरेंट होता है इसके बजाय इसके कि आप UAE में खेल रहे हों या किसी अवे सीरीज में खेल रहे हों। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा मसला ये, अगर ये पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की मुकम्मल बहाली होती है तो उसके बाद फिर इसका असर पाकिस्तान की क्लासिक क्रिकेट पर आएगा, पाकिस्तान सुपर लीग पर आएगा, पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट पर आएगा, पाकिस्तान में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे पर आएगा, क्रिकेट पर आएगा। उसके लिए सबसे अहम, सबसे जरूरी और बुनियादी चीज यही है
کہ اگر سب سے پہلے ہمارے لیے بین الاقوامی کرکٹ کا اور فل سیریز جس کا انعقاد دنیا بھر میں ہوتا ہے جس میں 5 روزہ 1 روزہ اور T20 میچز شامل ہوتے ہیں ان کے انعقاد کے بعد ہم کچھ آگے سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی کرکٹ کو کن خطوط کے اوپر لے کر جانا ہے کس انداز میں چلانا ہے جی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا